भगत रूपचंद जी को दे दिया और ये वचन फरमाए कि ये हार जब सूख जाएगा गेंदे का हार तो उस दिन मेरा संदेश आप तक पहुंच जाएगा, आपको मैं संन्यास देने से दीक्षित कर दूंगा। अब हालत तो ये थी कि एक दिन भी वो विश्व में ही रह सकते थे श्री गुरु महाराज जी के। एक दिन बीता, दो दिन बीते और बीतते बीतते 40 दिन बीते, वो फूलों का हार वैसे का वैसे ही। निमित्त वस्तु मां जी ने कहा था जिसके फूलों का हार सूख जाएगा उसी दिन मेरा पैगाम आपके पास आएगा और आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको संन्यास देश से दीक्षित कर दूंगा। वो सोचता रहता लोग एक एक करके 40 दिन बीत गए तो मेरे साथ तो बड़ा अन्याय हुआ। वो भी गुरु महाराज हो उसकी गाइड कहते हैं, जो भी श्रद्धा होती है हम देखते हैं श्री गुरु महाराज जी के दो ठाकुर बनते हैं तो मैक्सिमम लाइफ दो भी श्रद्धा होती है हार की। तो सारी रात वो गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा उस फूलों के हार के सामने कि तूने तो मेरा मजाक उड़ा दिया, तू कब सूखेगा ताकि मेरे को मिले निवासी भगवान जी के दर्शन हो और उनकी मैं शरण प्राप्त करूं। तो साइड रात को गिड़गिड़ाता रहा और सुबह वो हार सूख गया। 41वें दिन वो हार सूखा गेंदे के फूलों का हार। तो सुबह 11 बजे किसी ने दरवाजा खड़ करवाया तो कहा कि आपको मिले निवासी भगवान जी बुला रहे हैं। तो वो 41वें दिन गुरु महाराज के पास पहुँच कर उनका सन्यासी नाम बता दिया स्वामी अपारानंद जी महाराज। तो ऐसे हमारे दिग्गज महापुरुष हुए हैं मिले निवासी भगवान जी, जिन्होंने पूरे विश्व में शब्द नाम का प्रचार प्रसार करके अपने गुरुदेव का नाम झंडा के रूप में घुमाया और हम सब बहुत प्रभागी हैं, भाग्यशाली हैं ऐसे महापुरुषों के मुख्य प्राप्त है। बोलो जयकारा, बोल के श्री गुरु महाराज की। रवि पवन जी ने बहुत सुंदर लीला श्री सतगुरुदेव भगवान जी की आपको सुनाई। एक फूलों की माला 40 दिन तक न सूखना ये एक करामात नहीं तो क्या है। और उन्होंने ऐसे ऐसे हीरे लाल जवाहरात चुने और बड़े बड़े अधिकारी भी अपने पद छोड़कर उनकी शरण में आ गए और ऐसे तत्वेता महापुरुष हुए जिनको श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने बहुत सारी साधना करवाई और जो वाक सिद्ध महापुरुष हुए जिनकी स्पर्श सिद्धि वाक सिद्धि ऐसी थी कि वंदन ही नहीं किया जा सकता। बुजुर्गों ने उनके जन्मे देखे हैं तो श्री सतगुरुदेव भगवान ने जो एक प्रकल्प चलाया जीवों के कल्याण का हम रोज गाते हैं परमात्मा अवतार जगत में श्री गुरु जी ने है लीला, तो उसी के लिए हजारों साधु बनाए जिन्होंने जन जन तक उस संदेश को पहुँचाया और दुनिया के कल्याण का मार्ग दर्शाया। बहुत सुंदर भाव आपने सुने। अब मैं निवेदन करने जा रहा हूँ राधाओं से हमारे संत रहती आए हैं संत आत्मानंद जी, वह भी 5-6 मिनट में अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात जैसा कि मैंने बताया है श्री परमानंद स्वामी स्वरूपानंद ग्लोबल स्कूल से जो बच्चे आए हैं वो अपना संस्कृत कार्यक्रम ये बड़ी सुंदर सी प्रस्तुति करेंगे।